हेलो गाइस, वेलकम टू रिद्धि दवे व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी, विच इज अ देसी पिज्जा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिज्जा में सबसे पहले तो अपने को ब्रेड ले लेना है। यू कैन टेक एनी ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आपकी विश है। मुझे व्हाइट ब्रेड में पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं वो लूंगी। एंड देन यू वी आर गोइंग टू अप्लाई बटर। तो बस अच्छा खासा बटर अप्लाई करो। मेरा थोड़ा बटर सूखा नहीं है, सॉरी पिघला नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अजीब लग रहा है। बट यू कैन, यहाँ पे आपको जेनरस रहना है। अप्लाई प्रॉपर बटर, अच्छा खासा अमाउंट। आफ्टर अप्लाइंग बटर, अभी अपने को नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस आप घर पे भी बना सकते हो, बट वो बहुत टीडियस मुझे लगता है, इसलिए मैं रेडीमेड पिज्जा सॉस आती हूँ। बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन टेक एनी वन। आई एम यूजिंग दिस विनग्रीन्स का पिज्जा पास्ता सॉस, इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस। तो अभी डालेंगे हम सॉस। जो मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा रिकॉर्ड बंदा कर रहा है। सो अच्छा खासा पिज्जा सॉस डालेंगे इसमें। एंड इसके साथ साथ आई लाइक टू ऐड थोड़ा सा टोमेटो केचप, इंडियन टेस्ट बढ़ जाना। तो अपने को थोड़ा स्वीट चाहिए, ऊपर से गुज्जू तो स्वीट इज मस्ट, तो इससे थोड़ा स्वीटनेस आ जाएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्प्रेड इट। तो चम्मच ले लेंगे एंड येट नाउ गोइंग टू नाइसली स्प्रेड आवर सॉस अक्रॉस द स्लाइस। सॉरी गाइस, पीछे से अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। अभी अपना सॉस हो गया है रेडी, देख सकते हो अभी ही कितना अच्छा लिख रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट टॉपिंग्स। आपको जो पसंद है आप डालो, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, इट हैज़ टू बी फाइनली चॉप्ड। ओके, सो मैंने लिया है ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो एंड कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो आप इसमें ऑलिव्स, एलोपिनोज, जो आपको डालना है, पनीर, वट एवर यू लाइक, यू जस्ट पुट इट ऑल इन। अच्छे खासे दिलदार बनो गाइज, अच्छा खासा टॉपिंग डालो, ऐसे चिंगुड़गिरी इधर नहीं करना है अपने को। सो वट एवर यू लाइक यू जस्ट पुट इट ऑल इन। जितना कलरफुल दिखेगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा खाते टाइम। तो आपको जो जो डालना है आप डाल सकते हो, तीन कलर का कैप्सिकम भी डाल सकते हो। मेरे पास ग्रीन ही था तो मैं सिर्फ ग्रीन ही डाल रही हूँ, पर फिर भी देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है ना। एंड व्हाइल डूइंग ऑल दिस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड पुट गुड एनर्जी इन द फूड। तो अच्छा खासा खुशी खुशी हम बनाएंगे तो टेस्ट अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। अच्छा, जो भी डालने का मन है, जितना डालने का मन है, बिंदास गो ऑल आउट, योर मस्त ही लगता है। सी दैट ऑल आवर टॉपिंग्स आर इन, अभी इट्स टाइम टू पुट सम हर्ब्स। तो दिस इज मिक्स्ड हर्ब, कोई भी कंपनी का लो, अच्छा खासा इस पे डालेंगे। इसके बाद वील ऐड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, इस सब से तो टेस्ट आएगा। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे बिकॉज चीज़ डालेंगे तभी ये थोड़ा सा कम हो जाएगा इसका फ्लेवर। अभी डाल देंगे ऑरिगैनो। वील पुट सम चिली फ्लेक्स। गाइज मुझे बताओ यार, कौन से टाइप के वीडियोस आपको देखना पसंद है कमेंट्स में, मैं वैसे टाइप के वीडियोस बनाऊंगी। अभी अपना ये सब हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू पुट चीज। एंड हु डजंट लाइक चीज, एवरीवन डज राइट। तो अच्छा खासा चीज से इसको भर देंगे। मोजरेला डाल सकते हो, बट मुझे इतना मोजरेला अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रोसेस्ड चीज ही अच्छा लगता है। सो I'm going to put that. बस ये करते रहना है एंड हार्डली 5 मिनट का काम है। यू कैन यूज दिस एज ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, क्वाइट फिलिंग ऑल्सो। चीज डाल दिया भर भर के, बस गाइस दिस आई एम मेकिंग फॉर माय हस्बैंड।
तो उसका ही आवाज है बैकग्राउंड में। कमेंट करो यार पिज्जा इज रेडी, इट्स टाइम टू पुट इट इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 200 डिग्रीज के लिए प्री हीट कर लो 5-6 मिनट्स के लिए, एंड देन पुट दिस थिंग इन 200 डिग्रीज पे 9 मिनट्स के लिए, गुड इनफ हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए तो यू कैन चेक इट, एंड अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए तो 1-2 मिनट और कर लो। तो अभी मैं डालती हूँ एंड देन मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। माता रानी डिलिशियस पिज्जा इज रेडी। बहुत अच्छा स्मेल है गाइस, आई जस्ट विश कि मैं आपको ये स्मेल करवा पाती, इट्स ऑसम। नाउ प्लेट कर देंगे, प्लेट करने में कुछ करना ही नहीं है, बस ले लो उसको, बहुत गर्म रहता है, संभालना पड़ेगा। जस्ट पुट इट, सो लेट्स टेस्ट इट नाउ गाइस। बहुत यमी दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।